अब एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल टू, मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, स्क्वायर सरफेस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर एरिया है, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कितने से, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इस स्क्वायर एरिया की जो दूरी है एक गिवन पॉइंट पी से वो एक्स है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर ऑफ द स्क्वायर सी से पॉइंट पी की दूरी एक्स है। और ये वास्तव में है कैसा, ये स्क्वायर वास्तव में है कैसा, ऐसा है आपके लिए ऐसा। और ये एक्सिस, ये सेंटर, देखिए ये ऐसे कर दिए, यही फिगर है ये। मुझे यहां पे टिप ऑफ द मार्कर पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए, किसकी वजह से, स्क्वायर एरिया की वजह से जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो कैसे डील करेंगे, वही तरीका, एक कोई भी छोटा सा एरिया ले लेंगे ds स्क्वायर सरफेस का। अच्छा, इस पे जो नॉर्मल बनाएंगे वो तो ऐसे ही बनेगा, फील कीजिए थोड़ा सा, ये स्क्वायर सरफेस के किसी भी छोटा टुकड़े पे जो नॉर्मल बनाएंगे ऐसा ही ना बनेगा, उसी को हम यहां दिखाएं, फील कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे इस छोटे से टुकड़े की वजह से पॉइंट पी पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। तो ये तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो कूलम्ब लॉ कितना, के क्यू बाई ये दूरी का स्क्वायर कूलम्ब लॉ। लेकिन ऐसा ऐसा सिमेट्री से तो चारों तरफ रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा चारों तरफ। मान लीजिए इसकी वजह से कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पे फील क्या होगा ये। अब कॉमन सेंस से आप फील कीजिए कि इस तरह का जितने चार्जेस होंगे, जितने टुकड़े होंगे, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आएगा उसका रिजल्टेंट किधर बचेगा, इधर। नेट फील्ड का डायरेक्शन इधर ही ना होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा चीज, हमें कौन सा कंपोनेंट काम का नजर आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो मेरे काम का होगा वो क्या होगा, के सिग्मा डी एस बाई आर स्क्वायर का कॉस थीटा। लेकिन ये थीटा क्या है, ये थीटा गौर से देखिए तो थीटा है क्या, जो लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट अगर यहां ऑब्जर्वर होता, इमेजिन कीजिए अगर यहां पॉइंट पी पे ऑब्जर्वर होता तो इस सरफेस और ऑब्जर्वर के बीच ये लाइन है वो लाइन ऑफ साइट ही तो कहलाता, और एरिया पे नॉर्मल ये है तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एनी सरफेस अलोंग द एक्सिस वो कितना हो जाएगा, के सिग्मा डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली सम करूंगा पूरे सरफेस पे, स्क्वायर सरफेस पे। तो ये क्या निकल गया, थोड़ा ध्यान दिए तो, के सिग्मा और अंदर में क्या रह जाएगा, डी एस का कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर वही कहानी, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये छोटे से डी एस का सॉलिड एंगल है, कहां पे, पॉइंट पी पे। तो मैं इस तरह के छोटे छोटे सॉलिड एंगल को जोड़ना चाहता हूं पूरे सरफेस पे, सरफेस का नाम एस दिया, तो शॉर्ट में क्या निकल के आएगा, के सिग्मा इंटू सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल स्क्वायर सरफेस एट पॉइंट पी। शॉर्ट में ये जो स्क्वायर सरफेस जो है पूरा कितना सॉलिड एंगल बना रहा है पॉइंट पी पे, वही सॉलिड एंगल यहां पे आया एक्सप्रेशन में। कितना आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो लॉजिक अभी मैं स्क्वायर सरफेस के लिए किया हूं, क्या वही लॉजिक क्या एक रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए नहीं होगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप सोचिए ये बात। एक रेक्टेंगुलर सरफेस होता और उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता, तो क्या सेम कैलकुलेशन नहीं चलता, सेम चलता,
थोड़ा साफ सोचिए, और फिर यही रिजल्ट आता है। तो मतलब पूरा कहानी किस पे आके खत्म हो रहा है कि आपको सॉलिड एंगल पता होना चाहिए एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो एक एग्जांपल में इन जनरल तो आपको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, देखिए और कोई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में ये सॉलिड एंगल तुरंत बता सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कि एक a by a डायमेंशन का स्क्वायर टुकड़ा है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इसके सेंटर से अलोंग द एक्सिस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ चाहिए, और पॉइंट P की दूरी सेंटर ऑफ द स्क्वायर से मान लीजिए a by 2 है, ध्यान दीजिए a by 2 है, हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। तो अभी अभी तो आप फॉर्मूला डिराइव किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज K सिग्मा इनटू सॉलिड एंगल। तो मेरा काम क्या निकालना रह गया है कि पॉइंट P पे ये स्क्वायर सरफेस कितना सॉलिड एंगल बना रहा है। बड़ा मजेदार ये लोकेशन है a by 2, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अज्यूम कीजिए कि एक क्यूब रहता जिसका डायमेंशन a by a रहा होता, a by a by a, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और क्यूब के सेंटर पे आप होते और ये a a a क्यूब के सेंटर पे है, तो क्यूब का सेंटर किसी भी फेस से कितने दूरी पे होता है, किसी भी फेस के सेंटर से मान लीजिए किसी भी फेस के सेंटर से क्यूब का सेंटर कितने दूरी पे होता है, a by 2, कॉमन सेंस। a by 2 याद कीजिए, सॉलिड एंगल कैलकुलेशन के समय ये एग्जांपल हम डिराइव करवाए थे कि क्यूब के सेंटर पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो कोई भी एक फेस, क्यूब का एक फेस कितना सॉलिड एंगल बनाता है, क्यूब के सेंटर पे कितना बनाता है, 4π/6 यानी 2π/3। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा यहां पे इस केस में, स्पेशल केस में देख रहे हैं कैसे यूज आ रहा है सॉलिड एंगल का मेजरमेंट, कितना हो गया 1/4π/0 सिग्मा 2π/3, रिजल्ट आ गया सिग्मा बाय 6ε0। कितनी आसानी से आप कुछ स्पेशल सिमेट्रिक केसेस को डील कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सॉलिड एंगल। तो ये एक लमसम आइडिया, एक ओवरव्यू देना था आपको कि हाउ वी कैन यूज सॉलिड एंगल टू कैलकुलेट फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इनफैक्ट किसी भी तरह का फ्लैट सरफेस हो, मान लीजिए लेट अस से किसी भी तरह का फ्लैट सरफेस हो, ऐसा किसी भी तरह का फ्लैट सरफेस हो, इसको और मान लीजिए कि इसका बाउंड्री ना कर्व्ड है, रैंडम सा है, इसको मैं यहां फिगर में बताता हूं। मान लीजिए ये इस तरह का कर्व्ड कोई फ्लैट सरफेस है, इसको इमेजिन कीजिए कि यही कर्व्ड फ्लैट सरफेस, कर्व्ड बाउंड्री कर्व्ड है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब इस फ्लैट एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन में, यहां 2D प्लेन में तो ऐसे ही दिखाएंगे, नॉर्मल डायरेक्शन में एक पॉइंट पी है, ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो लॉजिकली तो वही कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे बताइए, वही कहानी, छोटा सा सरफेस एरिया ds, यूनिफॉर्मली चार्ज है अगर तो सिग्मा, तो चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा ds, यहां पे फील्ड कितना आएगा बताइए, यहां पे फील्ड कितना आएगा, k सिग्मा ds by r स्क्वायर, ये फील्ड होगा बाय कूलम लॉ। अब एक चीज समझने वाली बात है,
यहां पे सिमेट्री लूज हो चुका है, ये फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस है लेकिन टेढ़ा इसका बाउंड्री इररेगुलर है, तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये छोटे छोटे चार्जेस की वजह से, ये रिजल्टेंट इधर अलोंग द एक्सिस आएगा, वो आप नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज आप बोल सकते हैं कि लेट अस से ये नॉर्मल टू द एरिया है, ये लाइन ऑफ साइट है, ठीक, और ये एंगल थीटा है। मुझे जानने का मन है इस फ्लैट सरफेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट, तब क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का एक्स कंपोनेंट, तब क्या बोलेंगे, के सिग्मा डीएस बाय आर स्क्वायर का कौन सा एंगल, फिर वही लॉजिक कॉस थीटा, इसको सम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का एक्स कंपोनेंट ड्यू टू दिस इररेगुलर शेप्ड फ्लैट सरफेस क्या हो जाएगा एट पॉइंट पी, के सिग्मा डीएस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, वो कितना का के बराबर आएगा, के सिग्मा इंटू सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल किसका, सॉलिड एंगल जो ये इररेगुलर सा फ्लैट सरफेस पॉइंट पी पे सबटेंड कर रहा होगा, ये जो इररेगुलर सा, मान लीजिए इसको इमेजिन करना है कि ये इररेगुलर सा फ्लैट सरफेस है, ये इररेगुलर फ्लैट सरफेस पॉइंट पी पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वही सॉलिड एंगल यहां है, तो आप देख रहे हैं ना सॉलिड एंगल का आप यूटिलाइज करके बहुत कुछ डील कर सकते हैं, ठीक है।